सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज गाइस हम लोग करने वाले हैं Realme C33 स्मार्टफोन में आफ्टर वन मंथ फ्री फायर टेस्ट। तो गाइस यार, मैं आप लोग को मैच स्टार्ट करने से पहले अपना सेटिंग और सेंसिटिविटी वगैरह दिखा देता हूं। तो गाइस यहां पर चलते हैं सेंसिटिविटी पे, और गाइस जो मेरा सेंसिटिविटी रहेगा उसका का सारा 100 पर रहेगा। और यहां पर चलते हैं डिस्प्ले पे, और गाइस मेरा जो ग्राफिक्स रहेगा वो मैक्स पर रहेगा, हाई रेजोल्यूशन भी हाई पर रहेगा, ZOD भी ऑन रहेगा, फिल्टर भी ओसिन पर रहेगा, हाई FPS भी हाई पर रहेगा, सारा चीज़ें हाई पर रहेगा। और गाइस एक महीने बाद हम लोग इस फोन में फ्री फायर टेस्ट करने कर रहे हैं। तो गाइस क्या इस फोन में एक महीने बाद कोई लैगिंग या फिर कोई हीटिंग इशू देखने को मिलता है नहीं मिलता है, वो सारा चीजें बताएंगे। तो गाइस यहां पर हम लोग मैच लगा लेते हैं और फटाफट से चलते हैं मैच के फाइट वाले सीन पे। तो गाइस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो गाइस यहां पर हम लोग आ चुके हैं मैच के फाइट वाले सीन पे, और गाइस अभी आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हो वो गाइस खेला गया है Realme C33 स्मार्टफोन में, वो भी गाइस एक महीने बाद। तो गाइस यार एक महीना हो चुका है, और गाइस गेम प्ले आप लोग देख सकते हो इस फोन का, और गाइस यहां पर आप लोग ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो, अभी भी ये फोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो गाइस यार मैं आप लोग को सारा चीज़ें बताऊंगा कि क्या इस फोन में एक महीने बाद कोई लैगिंग वगैरह देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्या ये फोन हीट वगैरह होता है या नहीं होता है, और क्या इस फोन का बैटरी वैसे ही चल रहा है जैसे ये पहले चलता था। तो गाइस सारा चीज़ें बताऊंगा, तो गाइस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। और हाँ गाइस, अगर चैनल बनाए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में। तो गाइस यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो गाइस लाइक भी कर देना। तो गाइस फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस फोन में एक महीने बाद क्या आप लोगों को कोई लैगिंग वगैरह देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि एक महीने बाद इस फोन में गेमिंग करने के टाइम पर क्या कोई लैगिंग वगैरह देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फोन में मेरे को मतलब इस फोन को लिए हुए मतलब लगभग 2 महीने होने वाले हैं, और गाइस अभी भी मैं इस फोन में गेमिंग करता हूं, तो गाइस मेरे को कोई भी उतना लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल बोले तो गाइस काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस अभी भी देखने को मिलता है इस फोन में। ओवरऑल बोले तो गाइस जो इस फोन का प्रोसेसर है, यानी कि जो इस फोन में प्रोसेसर लगा है Unisoc T612, वो गाइस काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अभी भी निकाल कर ये फोन दे रहा है। और गाइस बहुत सारे फोन मतलब फोन होते हैं जो कि 1-2 महीने बहुत ही बढ़िया चलते हैं, जैसे नया नया रहता है तो बहुत ही अच्छा चलता है और बाद में बहुत ज़्यादा लैग वगैरह करने लगता है, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ये अपने मतलब डिज़ाइन को लेकर तो ये फोन मतलब ये जो फोन है वो गाइस बहुत ज़्यादा फेमस है, बट गाइस जो इसका परफॉर्मेंस है वो भी गाइस बहुत ही बढ़िया निकल कर आ जाता है। और गाइस इस प्राइस रेंज के हिसाब से, यानी कि अंडर 10,000 में, मतलब ये एक बजट स्मार्टफोन है, और बजट स्मार्टफोन में इतना बढ़िया गेमिंग, गाइस बहुत ही बढ़िया बात है। ओवरऑल बोले तो गाइस अभी भी ये परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब बढ़िया निकाल कर दे देता है, जैसे ये नया नया मतलब चलता था फोन उस टाइम पे, वैसे ही अभी भी ये फोन रन कर रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मतलब आप लोगों को 1-2 महीने बाद भी। और गाइस मेरे को नहीं लगता है कि ये फोन बहुत जल्दी मतलब ख़राब होने वाला है, हमें लगता है कि ये फोन आराम से 1 से 2 साल चल जाएगा बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि गाइस यार मतलब लगभग 2 महीने होने वाले हैं और अभी भी इस फोन का जो परफॉर्मेंस है वो गाइस काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल जो इस फोन का प्रोसेसर है वो गाइस काफ़ी तगड़ा है, और जो परफॉर्मेंस है इस फोन का वो गाइस काफ़ी बढ़िया है, मल्टीटास्किंग में भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो गाइस यार ये तो हम लोग बात कर लिए इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में, यानी कि इस फोन का बैटरी कितना देर तक टिकता है। तो गाइस यार पहले इस फोन का बैटरी जितना टिकता था अभी भी लगभग उतना ही टिकता है, उतना कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। लगभग गाइस मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो 1 घंटा गेमिंग करने पर यही कुछ 16% बैटरी ड्रेन होता है इस फोन का, 15 से 16% बैटरी ड्रेन होता है 1 घंटा लगातार गेमिंग करने पर। और गाइस अगर आप लोग नॉर्मल मतलब व्हाट्सअप वगैरह चलाओगे या फिर यूट्यूब वगैरह चलाओगे तो यही कुछ 10% तक बैटरी ड्रेन होता है 1 घंटे में। ओवरऑल अभी भी इस फोन का बैटरी काफ़ी बढ़िया मतलब काफ़ी देर तक टिकता है, ऐसा नहीं है कि गाइस मतलब 1-2 महीने बाद इस फोन का बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ओवरऑल बोले तो जो इस फोन का बैटरी लाइफ है वो गाइस अभी भी काफ़ी बढ़िया निकल कर आ जाता है। और गाइस अगर इसी के साथ बात करें इस फोन में हीटिंग इशू को लेकर, तो गाइस यार अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इस फोन में भी आप लोगों को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। और गाइस अभी विंटर सीजन है तो गाइस हीटिंग इशू देखने को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गाइस यार ठंडी के मौसम में रूम टेम्परेचर भी काफ़ी लो होता है। तो गाइस ओवरऑल बोले तो अभी के टाइम मतलब 1 महीना से ज़्यादा हो गया है इस फोन को लिए हुए, और उतना मेरे को कोई भी मेजर इशू देखने को नहीं मिला है, अभी भी ये फोन A1 मतलब फर्स्ट क्लास अभी भी ये फोन चल रहा है। तो गाइस अगर ओवरऑल बोले तो इस फोन को अभी के टाइम पर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो गाइस अगर मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप लोग का प्लान है इस फोन को बाय करने के लिए तो गाइस आप लोग कर सकते हो, इस फोन का डिजाइन मेरे को काफी पसंद आया था। तो गाइस यही था आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत।